I have two small questions. One is about a case of green fungus was reported in Madhya Pradesh. So is this a new worry? Is the treatment protocol any different? And the second thing is that to Mr. Lav Agarwal, can you elaborate a bit upon the trend of mortality among the COVID patients? If we trend mortality, the deaths among COVID patients, number have gone down, but if you can just elaborate a bit that how much the scenario has improved now. I like to know more about the particular instance. It is not in my knowledge. Which particular fungus is this? We can talk about it offline. Okay. Haan, bata dena mujhe. Offline we can see, and if any response has to be made on our behalf for the problem on the ground, we will do so. देखिए फंगस के विषय में, फंगस के कलर्स के विषय में, जैसे सर ने अभी तो स्पेसिफिक इंस्टेंस आपने बताया है, इससे पहले डॉक्टर रणदीप गुलेरिया साहब ने बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि हम फंगस को कलर के बेसिस पर, विच इज़ लाइक कॉमन पार्लेंस में हम डिस्कस करते हैं, बट वी प्राइमरी डिस्कस इन द फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन. तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंगस करके वो जो एक डिस्कशन करते हैं, आई थिंक दैट मे नॉट बी नीडेड. बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि अगर हम फंगल इन्फेक्शन है तो उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको किया जाए. ऑन द इश्यू ऑफ मॉर्टेलिटी, जैसे आपने बताया है, हमने पिछले कुछ दिनों में एक कंटिन्यूस ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन द ओवरऑल मॉर्टेलिटी फिगर नोट किया है. पिछले बार इसी मंच पर एक डिस्कशन ये भी हुआ था कि कुछ बैकलॉग डेथ रिपोर्ट हुई हैं, तो अगर आप डेटा को एनालाइज करेंगे तो आपको क्लियरली पता लगेगा कि कई बार बीच में कुछ दिन पिछले एक महीने में ऐसे भी आए हैं कि जहां पर डेथ की फिगर थोड़ी ज्यादा लगी है, बट अगर आप उसकी माइक्रो डिटेल में जाएंगे तो वी हैड एनालाइज कि उस वैसे कुछ केसेस थे जहां पर स्टेट्स पर व्हेन देयर हेल्थ सिस्टम वाज अंडर स्ट्रेन, व्हेन दे वर मैनेजिंग लार्जर नंबर ऑफ केसेस, तो फील्ड लेवल से उनके लेवल पर जो स्टेट्स के स्थाई पर कुछ केसेस या डेथ अगर वो रिपोर्ट नहीं हुए, उनको बाद में रिपोर्ट किया, विच इज पार्ट ऑफ आर ओवरऑल डिस्कशन की कोई भी डेथ और कोई भी केस स्टेट लेवल पर रिपोर्ट हो और स्टेट के द्वारा हमें रिपोर्ट हो. लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आप देखें कि जब हमारे एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं तो टू दैट एक्सटेंट हमारा स्ट्रेन ऑन हेल्थ सिस्टम कम होता है, जो हमारी ओवरऑल इफिशियंसी इन टर्म्स ऑफ केस मैनेजमेंट है वह बढ़ जाती है, और ओवरऑल हम देखते हैं कि जब भी अगर केसेस में कमी होनी शुरू होती है उसके करीब 2 हफ्ते बाद, 10 से 14 दिन के बाद, ओवरऑल हम देखते हैं कि केसेज इन टर्म्स ऑफ जो नंबर ऑफ डेथ विच आर गेटिंग रिपोर्टेड, दे ऑल्सो शो ए मार्क डिक्रीज, एंड दैट इज द ट्रेंड विच इंडिया इज हैविंग. We want this trend to continue. We want our focus in terms of first ensuring ki larger number of cases na aaye. Second, we would like to ensure and work towards ki agar koi case aaye to usko proper treatment ho sake. And from the point of the perspective you asked, cases mein aur death mein continuous decrease hum note kar rahe hain. Number 19. Sir, just